अगर मेरे पास घी होता तो तुम लोग यहाँ लटके नहीं होते, सीधा देगची में होते। लेकिन क्या करूँ, मेरे पास घी के पैसे नहीं है, तुम्हें लटकता देख कर ही अपनी भूख मिटाता रहूंगा मैं। उशीदे मीदे नूरे, तुम लोग यहाँ कैसे आ टपके? यार तो बेगान, पूरे मोहल्ले के कुत्ते तेरे घर के इर्द गिर्द क्या कर रहे हैं? वो कहा है ना, कुत्ते हमेशा किसी सखी बंदे के घर के आसपास ही जमा होते हैं। तो पे कहाँ सखी, और तू? हाँ, तुम्हें कोई शक है? ना ना तोपे खां, हमें तुम्हारी सखावत पे कोई शक नहीं है, इसलिए तो हम तेरे मेहमान बन के आए हैं। हाँ मेहमान, खुद मैंने तीसरा दिन है सब्जी को यहाँ लटकाया हुआ है। लेकिन तोपे खां, तूने ये सब्जी क्यों लटकाई हुई है? हाँ यार, वो गवर्नमेंट ने हमें लटकाया हुआ है, हमने यहाँ सब्जी लटकाई हुई है। तोपे खां, अब हमें क्या खिला रहे हो? तोपे खान देखना, हमें देसी मुर्ग खिलाएगा। तोपे खान सखी बंदा है, बकरा खिलाएगा, बकरा। हाँ, बकरा और देसी मुर्ग, मैंने कभी ख्वाब में नहीं खाया, ये हकीकत में खाने चले हैं, वो भी तोपे खान से। तोपे खान, खाना आज कहीं बाहर खाने का मूड है, किसी फाइव स्टार होटल में। अच्छा, फाइव स्टार होटल में खाना खाना है, तो चलो उठो, देर किस बात की अरे भाया। कुत्तों पे नजर रखना। आओ आओ। तो पेखान, ये बाइक तुम्हारी है ना, इस पे चलते हैं। हाँ हाँ, ये बाइक तो मेरी है, पेट्रोल है? नहीं, पेट्रोल नहीं है। हाँ तो फिर चलो भूखे नंगो, जल्दी आओ जल्दी आओ, फाइव स्टार होटल चलना है। आ जाओ, फाइव स्टार होटल आने वाला है। यार मैं तो थक गया हूँ, मुझसे और नहीं चला जाता। बस हिम्मत रख, बाजार आ गया, होटल भी आ जाएगा। चलो आ जाओ, बकरा और सिज्जी खानी है। आ जाओ जल्दी आ जाओ। यार ये हमें कौन से फाइव स्टार होटल में ले आया? बाजार से खंडरात की तरफ ले आया, चलो देखते हैं। चलो। अरे आ जाओ भाई, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? बैठो बैठो, मैं कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। यार ये किस खंडर में ले आया, ये कौन सा फाइव स्टार होटल है? अरे भाई, हमारे दियात का बस यही फाइव स्टार होटल है, अपने दोस्तों के लिए तरह तरह की चीजें लाया हूँ मैं। ये जलेबी लाया हूँ, ये बनाना भी लाया हूँ, और ये समोसा लाया हूँ, और चिप्स भी लाया हूँ, पकोड़े भी आए, मरो नहीं। खाओ अल्लाह के बंदे खाओ, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? मुल्क के हालात ठीक हो जाए, महंगाई कंट्रोल हो जाए, फिर तुम्हें बड़े होटल में ले जाऊंगा, बकरे सिज्जी खिलाऊंगा। महंगाई कंट्रोल हो जाए, इसका मतलब बकरे और सिज्जी हमारे नसीब में नहीं है। चलो भाई यही खाओ।